दोस्तों सुबह के 4 बजे हुए हैं और अपन बाणगंगा तिराहा शहडोल में खड़े हुए हैं। एक्चुअली आज अपन सुबह निकले हैं स्थिति देखने के लिए कि सुबह के वक्त गाय माँ और नंदी कहाँ पे बैठे होते हैं और क्या वो सेफ होते हैं या नहीं। और साथ ही क्योंकि ठंड का मौसम है तो अपन गाय माँ और नंदी लोगों के लिए गुड़ लेकर के आए हैं, और उसके साथ हमको जहाँ पर भी मौका मिलेगा तो हम ये रेडियम बेल्ट जो है इनके गले पर लगाएंगे ताकि हम उन्हें एक्सीडेंट से बचा सकें। और इसके साथ साथ धेनु सेवा संस्थान के हेल्पलाइन नंबर के जो पोस्टर्स हैं हमारे पास, उन पोस्टर्स को भी आज हम लगाएंगे। अब हम ट्राई करने वाले हैं दोस्तों कि गाय माँ और नंदी लोगों को अपन बेल्ट लगा पाए ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक गाय माँ ने बेल्ट लगवा लिया है। अब कम से कम कोई भी वाहन यहां से निकलेगा और लाइट बेल्ट पर पड़ेगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, तो बहुत सुंदर जो है बेल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है और अपना काम कर रहा है। ऐसे किसी को नहीं भी दिख रहा होगा तो उसको एकदम प्रॉपरली दिखेगा कि गाय माँ बैठी हुई है और वो सतर्क हो जाएगा। और अपन ये नंदी महाराज के ट्राई करने वाले हैं बेल्ट। नंदी जो है उनको लगाना काफी टफ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं नंदी उठ के अब चल दिए और कई बार ये अपनी सींग से मार भी देते हैं। दोस्तों यहाँ बाणगंगा तिराहा में करीबन अपन ने आज 6 बेल्ट लगाए हैं, उससे ज्यादा अभी यहाँ पे जो गौवंश वो लगवा नहीं रहे हैं। ग्रुप में अगर एक बेल्ट भी लगा होता है ना तो गाड़ी वाले को ये दिख जाता है, वाहन वाले को ये दिख जाता है कि अच्छा कोई बैठा हुआ है रोड पे, तो एक्सीडेंट्स फिर भी नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ करीबन अपन ने 5 बेल्ट 6 बेल्ट लगा दिए हैं। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। दोस्तों अब अपन आ गए हैं एसपी बंगला के सामने पुराने बस स्टैंड शहडोल में, और यहाँ पे जो गाय माँ का झुंड बैठा हुआ है इनको अपन गुड़ खिला रहे हैं। और गुड़ खिलाने के बाद जब ये लोग थोड़ा अपन से सेफ फील करने लगते हैं तो उसके बाद बेल्ट आसानी से लगवा लेते हैं। तो उसके बाद अब अपन बेल्ट लगाएंगे। गाय माँ लोग जो है यहाँ पर बेल्ट नहीं लगवा रही है। अब क्या होता है ऐसे में, जैसे तेजी से सामने से वाहन आ रहा है और अगर अपन ने जबरदस्ती लगाने की कोशिश की तो गाय मालो गाड़ी के सामने भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम ये होती है। इसलिए बहुत ही आराम से बेल्ट्स का काम अपन को करना पड़ता है। जैसे वो गाय माँ जो बैठी है उनने एक बेल्ट लगा लिया है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने गर्दन जो है वो दूसरे तरफ कर रखी है। ये इन्होंने बेल्ट लगवा लिया है और इस बछिया ने बेल्ट लगवा लिया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चमक रहा है अभी रेड कलर का ये। तो पूरे हर्ड में अगर एक या दो बेल्ट भी रहते हैं तो इजिली वाहन चलाने वाले को समझ में आ जाता है कि रोड पे गाय माँ लोग बैठी हुई हैं तो एक्सीडेंट्स नहीं होते। लगाने के साथ ही दोस्तों शहर में, क्योंकि अभी सुबह के वक्त शहर में कोई रहता नहीं है, तो अभी अपन अवेयरनेस के जो है वो पोस्टर चिपका रहे हैं जिससे लगभग सभी तक जो है वो रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर पहुंच पाए और लोग इस पोस्टर को पढ़ करके थोड़ा सा गाय मालों के प्रति सतर्क हो पाए। तो अपन ने यहाँ चौपाटी वाले एरिया शहडोल में भी पोस्टर्स लगा दिए हैं। अब आइए आगे चलते हैं। ये दोस्तों अपन बुढ़ार चौक में खड़े हैं और यहाँ पर भी दो गाय माँ लोगों ने बेल्ट लगवा लिए हैं और इनको अपन ने गुड़ भी खिला दिया है। अब बारी यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगाने की। देखिए कितना बढ़िया बेल्ट चमक रहा है नंदी महाराज का।